जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों के शामिल नेतावान नू एक बार फिर सीधी सीधी चेतावनी जारी कर दी। हरेक बंदा चाहता चल यार मेरी तो लंघ गई किवें ना किवें, जवाक नू कितें वधिया स्कूल च पढ़ा लिए, वधिया दा मतलब प्राइवेट। बलविंदर सिंह कंग ने अज पार्टी हैडक्वार्टर विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि जो पार्टियां कल तक सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान नू नसीहत देण दे विच लगियां सन, दरअसल यही वो पार्टियां ने जिन्हां ने SYL दे कंडे बीजे ने। PM ने कहा कि जल संभाल नाल संबंधित मुहिमां विच सानू जनता, समाजिक संस्थावां अते नागरिक समाज नू वध तों वध शामिल करना पवेगा। राजा वड़िंग ने कांग्रेस के सबका नेता अते मंत्री रहे बलबीर सिंह सिद्धू खिलाफ भी तिखे निशाने साधे। कांग्रेस पार्टी की गलती सी जिहड़ी मैं हुण नहीं करन देणी। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असी गल करांगे मुख्यमंत्री भगवंत मान दी, जिन्हां ने भ्रष्टाचार दे मामलों दे विच शामिल नेतावां नू एक बार फिर सीधी सीधी चेतावनी जारी कर दिती है। इस दे नाल ही गल करांगे SYL दी, क्योंकि पानियां दे विवाद ते आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे कांग्रेसी ते अकालियां नू जिम्मेवार ठहराया। इस दे नाल ही गल करांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी, जिन्हां ने पानियां दी बचत बारे पूरे देश दे नां अज संदेश दित्ता। ते नाल ही गल करांगे लुधियाणा विच बदली हुई एक लाश दी, जिस तों बाद हस्पताल दे विच खूब हंगामा होया। इस दे नाल ही कुछ होर खबरां दा भी जिक्र करांगे, ते आओ शुरुआत करदे हां अज दे प्राइम टाइम। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब सरकार ने सिर्फ 9 महीनों के अंदर 25,000 तो वध नौजवानों नू सरकारी नौकरियों का वड्डा तोहफा दिता। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि साल 2023 सिक्ख्या, रोज़गार ते सेहत खेत्र दे विच क्रांतिकारी तब्दीलियों का गवाह बनन जा रहा है। लुधियाना विखे मास्टर काडर के 3910 अध्यापकों नू नियुक्ति पत्र वंडदे समय मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे अध्यापक अपने अपने स्कूलों में जाके विद्यार्थियों की जिंदगी निखारन का काम करन। उन्हें यह भी कहा कि छेती पंजाब के कई प्रिंसीपलों नू सिक्ख्या ट्रेनिंग लई विदेश भेजा जा रहा है, अते सिलसिला भविख के अंदर भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ सिक्ख्या खेत्र में ही 6,635 ETT अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जदों की 5,994 होर अध्यापकों की भर्ती का नवा इश्तहार भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी ते सुचारू तरीके दे नाल छेती मुकम्मल कर लिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि तकरीबन 23,000 कच्चे मुलाजमान दीयां सेवावां भी रैगूलर कीतियां जाणगियां। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को सख्त ताड़ना करदे कहा कि कईयां दी वारी आ चुकी है अते कईयां दी आउण वाली है, किसी भी भ्रष्टाचारी नू साडी सरकार बख्शेगी नहीं, उन्हां तो पंजाब दे लुट्टे एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। संबोधन के दौरान होर की कुछ किया भगवंत मान ने, आओ सुन लैने। हरेक बंदा चाहता चल यार मेरी तो लंघ गई किवें ना किवें, जवाक नू कितें वधिया स्कूल च पढ़ा लिए, वधिया दा मतलब प्राइवेट। जदों तुसी पिंडां जाओगे, इन्नियां तुसी डिग्रियां कीतियां होईयां, 2-4 महीने एफर्ट करनी पो पिंड दे विच जाके ये कह के कि साडे कोले भेजो बच्चा जी, असीं वधिया पढ़ावांगे, तां फिर वधिया स्कूल सरकारी भी बन जाणगे, फिर भी वधिया स्कूल च पढ़दा साडा जवाक। आम तौर ते की हुंदा है, क्योंकि मैं एक टीचर दा बेटा, मैनूं पता है बदलियां किथे शहर दे नेड़े तेड़े, शहर दे नेड़े तेड़े 15 teacher 12 बच्चे, पिंड 104 बच्चे 1 teacher,
बाकी सारिया पोस्टा खाली जाते ही नहीं जी असं कहते जी सू तो इतों घरों बस इतों नेड़े पैंदा ना इन सेवा मानो फिर हो सकता पिंड च किराए से कमरा लेके रहना पवे साडी भैन जी रहिंदे हुंदे सी जसविंदर कौर सी उहनां दा नाम पिंड च रहिंदे सी उह हैगे सी दूर तो ते उह पिंड च किसे घर च उह कमरा लेके रहिंदे सी ते उह सारा पिंड उहनां नूं सत्कार दिंदा सी कि टीचर ने सत्कार मिलेगा हाँ असी इह पॉलिसी बनाती ज्यों ज्यों तुहाडा एक्सपीरियंस होई जाऊगा तुसी अपने परिवार दे जां अपने घर दे जा अपने पेक्यां दे जा अपने सहुरिआं दे नेड़े नेड़े हुंदे जाऊंगे उन्हें आप ही करी जावांगे असीं बस कृपा करके हुण अज तो बाद कितें कोई MLA नूं ना पालण लग जाओ लिया भी हुण ये तो बन गया काम हुण दूजा बनाइए नेड़े आईए हुण ना करो दूर आले भी पढ़ना चाहते ने सौ लगे बहुत इंटैलीजेंट बच्चे ने तुसीं प्राउड करोगे उन्हां ते एक बार जाके देखो उन्हां कोले बच्चों की सोच दुगुना फर्क आ जाऊगा सो 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस प्लस आ जड़ियां खाली पईआं ना सामियां चाहे वह करोना वर्कर्स ने चाहे PTT वाले ने चाहे PT टीचर ने चाहे DP टीचर ने भावें वह कंप्यूटर टीचर ने भावें वह किसी होर डिपार्टमेंट ना रिलेटड ने लगभग 22,000-23,000 है जिहड़े कच्चे ने कच्चा लफज अच्छा नहीं लगता कच्चे मीन्स कोई पता नहीं कदों कढ़ दो 22,000-23,000 जिहड़े ने चीफ सैकटरी साहब अज गए हुए ने असीं बना रहे हैं आने वाले महीनों च सारिआं नूं पक्के करांगे उन्हां नूं ही करांगे प्रियोरिटी उन्हां नूं ही मिलेगी जिहड़े नारे लाउंदे लाउंदे भी ओवरेज हो गए असीं एज बता देंगे असीं एज अगे कर देंगे फिर की हो गया जे माड़ियां सरकारां सी 10 साल नहीं कुछ होया तो तुहाडा थोड़ी कसूर है फिर साडी जिम्मेवारी लैनी पैणी सानूं लैनी पैणी है मतलब 10 साल का गैप पै गया वो 10 साल च उन्होंने हुण तक पढ़ाने पढ़ाते होना चाहिए सी पर गैप पै गया कोई गल नहीं नव्यां नूं भी रखांगे ते जिहड़े एक्सपीरियंस ने उन्हां नूं एज लिमिट भी असीं अगे कर देंगे कि पढ़ाओ पढ़ाओ जो काम आउंदा वह करो आही तो पंजाब च आउंदा कि सानू जो काम आउंदा साथों करा लो जी असीं बाहर क्यों जाई जांदे आ उत्थे जाके असी पता नहीं की करी किहड़े किहड़े काम करने पै रहे ने मौसम साडे अनुकूल नहीं भाषा साडे अनुकूल नहीं ठीक है ना बगाने थावें चले गए उत्थों रोज़ खबर आउंदियां दिल का दौरा पै के डैथ हो गई लाश मंगाउणी है फिर लाश मंगाउणी एक काम बन गया लाश ही मंगा दो जी मिट्टी देख लिए सो आ इस लैवल ते आपां पंजाब ब्रेन ड्रेन नहीं होण देणा पंजाब दे दिमाग बहुत वड्डे ने पंजाब दे दिमागां नूं इत्थे रखणा इत्थे और तुसीं उहनां ब्रेनज़ नूं उहनां दिमागां नूं रेती लाउणी है जिवें उह कुड़ी कहिंदी सी मैनूं पंजाबी पढ़ाउण दा मौका मिल गया जिम्मेवारी मिल गई है ना ते मैं नभाऊंगी हालांकि एंड च थैंक यू कहेगी धन्नवाद कहिंदी ज़्यादा अच्छा लगता कोई नहीं हौली हौली धन्नवाद भी कहन लग जू पंजाबी वाली भैन जी है SYL ते मीटिंग दे विच सीगा उहदे विच भी मैं कहा साडे कोले पानी है नहीं जी साडे कोले ना धरती वाला पानी है ना दरियावां वाला पानी है इत्थों तक के साडियां तां अक्खां च भी पानी खत्म हो गया रो रो के साडा तां कोई ड्रग च मर गया कोई महंगाई ने मारता किसी ने खुदकुशी कर ली साडे तां अक्खां दा पानी भी खत्म हो गया जी साडे कोल पानी कित्थे पाल दे तुसीं हुण बस साडा तां ना ही पंज आव है किहड़े पंज आव ने मैनूं दिखा दो पहली दो तां उधर चले गए तीन रह गए वह सूए नाले बन गए कित्थों दे दईए पानी असीं सो पंजाब
जिन्ना मेरे ते तुसीं विश्वास कीता, लाइनां च खड़ के वोटां पाईयां, वोटां दे रिजल्ट आए, रिजल्ट ने लोकतंत्र मुताबक दस्सिया कि जिम्मेवारी भगवंत मान की लगेगी, तो फिर मैं वो जिम्मेवारी निभाऊंगा। थोड़ा यकीन नहीं तोड़ता, मैं साल च 25,000 कहा सी पर 9.5 महीनों च 25,000 नौकरियां देखी। असी इन्ने बड़े वधिया भाईचारे च बजे हुए हैं कि असी नहीं देखते ये कौन है, असी देखते हैं पंजाबी है बस। सो साडे भाईचारे नूं तोड़न दीआं कोशिशां अक्सर दुश्मन मुल्क करदा रहिंदा है भी टुट जाए, पर नहीं, साडा भाईचारा इन्ना मजबूत है। गोलियां चल चल हटियां, बंब डिग हटे 10 साल, पर भाईचारा नहीं टुटिया। सो भाईचारा मजबूत रखना है। बीइंग ए हैड ऑफ द स्टेट, मैं थानू कहना कि मैं थोड़े नाल खड़ा, कोई भी थानू किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई तंग करता है, कोई अनजान नंबर तो फोन जो सब डरे हो ना, तुसी साढ़े ते यकीन करो तो दसो, उस बाद असी हल करांगे। हुण जदों भी हुण देखो पिंड ने 8वीं दा स्कूल है तो लोग कहिंदे ने 10वीं दा कर दो, जे 10वीं दा तो लोग कहें 12वीं दा कर दो। मैं चैक किया भी क्यों कहिंदे ने, कहिंदे जी 8वीं तो बाद साडियां कुड़ियां 4 किलोमीटर ते हाई स्कूल है उत्थे जांदियां ने, कोई साधन ही है नहीं, जां तां बसां दे जाल पिछे लम के जांदियां ने, जां ट्रालियां दे डाले कुंडे फड़ के जांदियां ने, जां किसी अजनबी तों राइड लेके जांदियां ने। इस जमाने च कलयुग च पॉसीबल तो 8वीं चो जां 10वीं चो सिर्फ साधन ना होण करके बहुत सारिया इंटैलीजेंट कुड़ियां नूं, मैं पार्लीमेंट च भी इह गल बोली सी, हटा लेंदे ने मापे स्कूलों कि सानू एजुकेशन नालों इज्जत प्यारी है। असी हुण की सोचा स्कूल बजाउण दी बुलाउण बनाउण दी बजाय जिहड़े 4 किलोमीटर दे एरिए च हैगे ने, 5 ने स्कूल बसां दे दिंदे आ सरकारी स्कूलों नूं। ये हैडमास्टर तय करनगे कि किन्ने पिंडां दे बच्चे आउंदे आ, फर्ज कर लो एक स्कूल नूं 5 बसां देतियां, वो डिसाइड कर ले कि 6वीं तक के बच्चे जिहड़े ने उन्हां दी छुट्टी घंटा पहला कर लो ताकि पहला बसा उन्होंने छड्या आउण, उही बसा आके फिर 9वीं 10वीं 11वीं जिहड़ां नूं छड्या आउण। जे साधन मिल गए समझ लो स्कूल मिल गया, स्कूल ऑन व्हील्स। और एजुकेशन के मामले ते हैल्थ के मामले ते रोजगार के मामले 2023 ऐसा होगा, हाँ थोड़ी थोड़ी झलक जी देखने तो लग ही रंगले पंजाब की हुण चमक दिखूगी। बाकी जिन्हां ने पंजाब का पैसा वगैरह थोड़ा लुट्टिया खाधा है पहला है ना, करप्शन कीतियां, मैंने लगता धर्मराज नाल गल हो गई होनी भी थोड़े वाला पैसा उपर आ सकता नाल, इन्ना लुट्टिया है, कोई लोड़ है नहीं सी इन्ने की। बंदे तुझे पता नहीं अपने मलाल का, बंदे तुझे पता नहीं अपने मलाल का, पल की खबर नहीं समान 80 साल का। की पता कदों परमात्मा ने किहड़ा ऑर्डर दे देना, एवें कट्ठ करी जन्ने कट्ठे पैसे लुट लो, ठगी वाला पैसा चोरी वाला पैसा। वह कहिंदे पंजाबी च कहावत है कि चोरी दे पुत गभरू नहीं हुंदे हुंदे, जिहड़ा चोर है उहदे दिल च पाला हुंदा है। पिंड दे विच पुलिस आ जाए ना हूटर मार दे, आई भावें पिंड के परले पासे किसी गुरदेव के घरें होवे, जिहड़ा इधरले पासे हरदेव सिंह रहिंदा वह उहीं एवें परले घर च छाल मार दे, लै मैनू फड़न आ गए होणे, क्योंकि वह चोर है। कोई गल नहीं, उहदी वी कदे वारी आ जाऊगी, कोई गल नहीं, फिर हुण जिहदी जिहदी वारी आउंदी जांदी है कृपा करके सबर करदे जायो, वारी मुताबक सारे अंदर जाणगे। उधर कल दिल्ली विखे हुई SYL की मीटिंग तो बाद पंजाब दी आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोधियों नूं घेरन विच कोई कमी नहीं छड्डी। आम आदमी पार्टी के मुख्य बुलारे मलविंदर सिंह कंग ने अज पार्टी हैडक्वार्टर विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि जो पार्टियां कल तक सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं नसीहत देण दे विच लगियां सन, दरअसल यही पार्टियां ने जिन्हां ने
एस वाई एल दे कंडे बीजे ने। उन्हां कहा कि पंजाब अते हरियाणे दे विचाले एस वाई एल का विवाद खड़ा करन वाली खुद कांग्रेस पार्टी है अते श्रोमणी अकाली दल वर्गियां पार्टियां ने जमीन अक्वायर संबंधी नोटिफिकेशन जारी करके पंजाब नूं इस बल्दी अग दे विच सुट्टिया सी। उन्हां कहा कि मुख्यमंत्री ने कल मीटिंग दे दौरान नवां फार्मूला दे के साफ कर दिता कि हुण पंजाब अते हरियाणा विचाले एस वाई एल दी नहीं बल्कि वाई एस एल दी गल चलेगी। की कुछ कहा मलविंदर सिंह कंग ने, आओ सुन लैने। मुख्यमंत्री जी दी जिहड़ी पिछले कल मीटिंग हुई है पाणियां नूं लैके हरियाणा दे मुख्यमंत्री साहब और सेंटर दे जिहड़े वजीर शेखावत जी ने मीटिंग करवाई उहदे सिलसिले तुहाडे नाल रूबरू होए हैं। कल पंजाब दे माणयोग मुख्यमंत्री जी ने सन ऑफ सॉयल दे होण दे नाते पंजाब दा पुत होण दे नाते और पंजाब दे एक जुम्मेवार नुमाइंदा होण दे नाते जिस मजबूती नाल पंजाब दे पाणियां दा पक्ष कल रख्या है उत्थों एक नवीं डिबेट शुरू हो गई आ। हुण मसला एस वाई एल दा नहीं है, हुण मसला यमुना सतलुज लिंक यानी कि वाई एस एल दा जिहड़ा आ उह शुरू हो गया है। सब तो पहला तो मैं क्योंकि अज मैं अखबार पढ़ रहा सी कांग्रेस के सीनियर लीडर साहबान भी बड़िया सलावां दे रहे सी कहिंदे अखे जी मुख्यमंत्री जी नूं साडे अनुभव का फायदा लेना चाहिए। बादल साहब वालों भी स्टेटमेंट आई, सुखबीर सिंह बादल साहब वालों अखे जी इन्हां नूं कुछ पता नहीं है। तो सब तो पहला तो मैं तुहाडे सामने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट रखदा कि पंजाब दे पाणियां ते मसलियां ते किस तरीके नाल पिछले सालां च निजी स्वार्थ अगे रखे गए ते पंजाब दे हित जिहड़े आ उहनां ते कंप्रोमाइज किया गया। 1 मार्च 1978 च चौधरी देवी लाल जिहड़े उस टाइम हरियाणा दे मुख्यमंत्री सी उह विधानसभा आही विधानसभा जिहड़ी पंजाब दे सैक्टरीएट च है हरियाणा दी विधानसभा उस टाइम दे मुख्यमंत्री देवी लाल जी पंजाब हरियाणा विधानसभा नूं संबोधन होए कह रहे हैं और मैं तुहानूं सुना रहा श्रीमान स्पीकर साहब मैं तुहाडे राही लीडर ऑफ ओपोजिशन उस टाइम राव साहब सीगे उहदा ध्यान खिंचना चाहुंदा है कि जिहड़ा मसला पाणियां दा कई सालां तों अटकिया सी जिहदे च कांग्रेस की सेंटर च भी सरकार सी हरियाणे च भी सी पंजाब च भी तां वी नहीं निबड़िया उस मसले ते मैं देवी लाल जी कह रहे गल नोट करन वाली आ मैं बादल साहब जिहड़े उस टाइम पंजाब दे मुख्यमंत्री सी उहनां नाल अपने निजी रिश्तियां दा फायदा उठाउंदे होए उहनां नूं इस गल लई मंजूर कर लिया उहनां नूं मना लिया कि आने वाले टाइम च पंजाब चो एस वाई एल कढ़ी जाऊगी। और बादल साहब एक चिट्ठी 20 फरवरी 1978 च बतौर मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल एक नोटिफिकेशन कढ़दे अंडर सैक्शन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 लैटर नंबर 113/5 1978 च जिदे राही सरदार प्रकाश सिंह बादल बतौर मुख्यमंत्री अंडर एक्ट 1894 जमीन अधिग्रहण वास्ते नोटिफिकेशन जारी कर देंदे आ कि जमीन जिहड़ी आ राजपुरे और पटियाले दे एरिए च अक्वायर कर ली जावे एस वाई एल बनाउण लई। और इसे नोटिफिकेशन का बेस बना के चौधरी देवी लाल जिहड़े मुख्यमंत्री हरियाणे दे आ वह हरियाणा की विधानसभा में खुशखबरी सुना रहे हैं। सो पहली गल तो यह आ कि जेड़े बादल साहब अपने आप नूं बरी होना चाहते इस मसले तो उन्हां दी जेड़ी करतूत ऑन रिकॉर्ड है। पूरे देश के दे अंदर जिथे कई थावां ते पानी नूं लैके विवाद चल रहा है तो इस विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज भोपाल विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही आयोजित वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस दे विच हिस्सा लिया। राज्यां दे जल मंत्रियां दी इस कॉन्फ्रेंस दे विच पीएम ने कहा कि जल संभाल नाल संबंधित मुहिमां विच सानू जनता समाजिक संस्थावां अते
नागरिक समाज को वध तो वध शामिल करना पवेगा। मोदी ने अगे कहा कि साड़ी संविधानिक व्यवस्था च पानी का विशा सूबे के कंट्रोल च आता है, पानी की संभाल दे विच राज्यां दे यतन देश दे समूहिक टीचों प्राप्त करन दे विच बहुत सहाई होणगे। अजिही स्थिति दे विच जल विजन 2047 अगले 25 सालां लई अमृत यात्रा का एक अहम पहलू है। पानी की संभाल लई जन भागीदारी की सोच नूं लोकां दे मनां दे विच जगाउणा पएगा। असीं इस दिशा दे विच जिन्ने ज़्यादा यतन करांगे उन्ना ही ज़्यादा प्रभाव पैदा होगा। प्रधानमंत्री ने ड्रिप इरीगेशन नूं होर ज़्यादा मजबूत करन दी अपील करदे कहा कि भविख दे अंदर नगर कौंसलां पंचायतां नूं मनरेगा दे राहीं अपने जल स्रोत मजबूत करन दा काम करना चाहिए। की कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आओ सुन लैने। भागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे उतना ही प्रभाव पैदा होगा। जैसे हम जल जागरूकता महोत्सवों का आयोजन कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर होने वाले मेलों में पानी को लेकर जागरूकता संबंधी कई आयोजन जोड़ सकते हैं। विशेषकर नई पीढ़ी इस विषय के प्रति जागरूक हो, इसके लिए हमें पाठ्यक्रम से लेकर स्कूलों में एक्टिविटीज तक इनोवेटिव तरीके सोचने होंगे। आप जानते हैं कि देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है। आपने भी अपने राज्य में इसमें काफी कुछ काम किया है। इतने कम समय में 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। जल संरक्षण की दिशा में पूरे विश्व में अपनी तरह का ये अनोखा अभियान है और ये जन भागीदारी इसमें जुड़ी है। लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोग इसमें आगे आ रहे हैं। इनका संरक्षण हो, लोग इनसे जुड़े, हमें इस दिशा में निरंतर प्रयास बढ़ाने होंगे। साथियों, हमें पॉलिसी लेवल पर भी पानी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियां और ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बाहर आना होगा। हमें प्रॉब्लम्स को पहचानने और उसके सॉल्यूशन को खोजने के लिए टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री को और खासकर स्टार्टअप्स को साथ जोड़ना होगा। जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी टेक्निकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है। साथियों, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन आपके राज्य का एक बड़ा डेवलपमेंट पैरामीटर हुआ है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है, कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि एक बार यह व्यवस्था बन गई तो आगे उनकी देखरेख भी उतने ही अच्छे ढंग से चलती है। ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन का नेतृत्व करें और काम पूरा होने के बाद ये सर्टिफाई भी करें कि पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो गया है। हर ग्राम पंचायत मासिक या त्रैमासिक रिपोर्ट भी ऑनलाइन सबमिट कर सकती है कि उसके गांव में कितने घरों में नल से जल आ रहा है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग की प्रणाली भी विकसित की जानी चाहिए। पानी की उपलब्धता के आधार पर ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, प्राकृतिक खेती हो, नेचुरल फार्मिंग खेती को बढ़ावा दिया जाए। कई जगह ऐसा देखने में आया है कि जहां प्राकृतिक खेती होती है, नेचुरल फार्मिंग की जा रही है, वहां जल संरक्षण के भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है। साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सभी राज्यों में तेजी से काम हो रहा है। इसके अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत देश में अब तक 70 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाई जा चुकी है। सभी राज्यों को माइक्रो इरिगेशन को लगातार बढ़ावा देना चाहिए। ये जल संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक योजना है। अब डायरेक्ट कैनाल की जगह
पाइपलाइन आधारित नई योजनाएं लाई जा रही है, इसको और भी आगे ले जाने की जरूरत है। साथियों, जल संरक्षण के लिए केंद्र ने अटल भूजल संरक्षण योजना की शुरुआत की है। ये एक संवेदनशील अभियान है और इसे उतनी ही संवेदनशीलता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। भूजल प्रबंधन के लिए बनाए गए प्राधिकरण सख्ती से इस दिशा में काम करे, ये भी जरूरी है। भूजल रिचार्ज के लिए सभी जिलों में बड़े पैमाने पर वॉटर शेड का काम होना जरूरी है। और मैं तो चाहूंगा कि मनरेगा में सबसे अधिक काम पानी के लिए करना चाहिए। तो उधर मोहाली जिले के अंदर कांग्रेस का विस्तार करते हुए पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बल्लो माजरा के जस्सी सरपंच को मोहाली देहाती दे कांग्रेस प्रधान वजों जिम्मेवारी सौंपी है। जस्सी सरपंच की ताजपोशी को लेकर उन्होंने पिंड विखे एक समागम करवाया गया, जिस विच पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग तो इलावा जिले के कई होर कांग्रसी नेतावान ने शिरकत की। इस मौके राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस को कुछ लीडर ने पहला ठेके ते रह रखा सी, पर असी इस ठेकेदारी को खत्म करांगे, इस पार्टी को तनाड़ लोगों के चुंगल विचों बाहर कढ़ांगे। राजा वड़िंग ने यह भी कहा कि आने वाला समा सिर्फ उन्होंने सियासतदानों का है जो आम लोगों की सेवा करेंगे। इस मौके राजा वड़िंग ने कांग्रेस के सबका नेता अते मंत्री रहे बलबीर सिंह सिद्धू खिलाफ भी तिखे निशाने साधे। की कुछ बोले राजा वड़िंग, आओ भी सुन लें। यह लीडर जेडे थोड़े लीडर सन जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की गलती सी जेडी मैं हुण नहीं करन देनी, कांग्रेस पार्टी ने इन्हां लीडरां नूं ठेके दे देता कांग्रेस नूं। किनू दिता? थोड़े इलाके च बलबीर सिंह सिद्धू नूं ठेके दे दिती पार्टी। बलबीर सिंह सिद्धू ने की किया ठेके ते? जमीन ठेके ते दिती, उहने गिरदावरी भी आपदे नां करा ली। चुप चपीते, तैनूं वाहुण आसे दिती है, गिरदावरी करा ली, कब्जा करा लिया, कोठी पा ली। मैं मंत्री, मेरा भरा मेयर, मुंडा यूथ कांग्रेस, पीए मार्केट कमेटी का कोई बंदा उठन ना दो, कोई बंदा ना उठन दो। जे कोई बंदा उठ खड़िया, जे नौजवान मुंडिया नू ताकत देती तो कल नू ए टिकट दे दावेदार हो जाएंगे। ए 80% राजनेता दी स्कीम है, राजे वड़िंग दी स्कीम है। गिदड़ विच किसे नू उठन ना दो, नप के रखो। जे कोई सिर चके तो परचा दे दो। मैं ये जिहड़ी राजनीति है खत्म करनी है। कांग्रेस पार्टी नू जिहड़ा ठेके दे दित्ता गया है, ये ठेके तो छड़ाउणा ते कांग्रेस पार्टी दे नां गिरदावरी करवानी है, आम लोगों नू चक के टिकटां देनियां ते एमएलए बनाउणा है। इन्हां लोगों ने लुट्टिया भी ते कुट्टिया भी ते अज भी ये लोग यह महसूस करते हैं कि मोहाली जिहड़ा है रामपुरा फूल ते पटियाला मेरा है। इत्थे होर किसे दी मां ने मुंडा कोई पैदा ही नहीं किया, केवल साढ़े ची अणखर गैरत है ते जरूरत है। सच्चे पातशाह कहिंदा उच्चे बोलना बोलीए करतारो डरीए, बादल वाले भी यही कहिंदे हुंदे सी। थोड़े सामने सारे मुख्यमंत्री हारे अतकी, अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाले वाला राजा कहिंदा सी कि कांग्रेस मेरे दम ते है, मेरे दम नाल कांग्रेस है, मैं कांग्रेस दे दम नाल दे नहीं। दो वारी दा मुख्यमंत्री पटियाले दा राजा कोहली ने 25,000 ते हराया। भाई तू तो कोई है ही नहीं, तू तो आई तपे तो है। इस समय राजनीति उन्होंने चलेगी जिहड़ा जिहड़े लोगों नूं प्यार करनगे, लोगों दीआं मावां भैणां नूं आपदीआं मावां भैणां समझणगे, उन्हां दी तकलीफ नूं आपदी तकलीफ समझणगे, उन्हां दे नाल खड़े होणगे, बाहर नहीं पाउणगे। रात नूं 1 बजे भी लोड़ पएगी लीडर दी, उह खड़ा होएगा। उह लोग राजनीति च कामयाब होणगे, ना कि वड्डे लोग राजनीति च कामयाब होणगे। ये जिहड़ी फितरत है बदलनी है, सो किसी प्रकार की चिंता ना करो।
ये लोग तो वापस आने का उपराला कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं आने देंगा। ये जिहड़े छड़ गए बिल्कुल नहीं आने देंगा, और जे ये आ गए तो मैं सत श्री अकाल बुला दूंगा, ये नहीं आने देंगा कदे भी जिंदगी। एहो जे लोग जिन्होंने गिरदारियां की पार्टी के नाल उन्हां लोगों नू, नाले यार बंदे का पुत कौन है? कहते गुरु का सिख हो जो पग बंद है, कहते गुरु का सिख हो जरा दाड़ा रखता है, गुरु का सिख केस रखता है, केस रखता है, कड़ा पाउंदा है, गुरु के हुक्म च रहिंदा है, चंगी गल है। पर मैं इस गल नू अगे वधाउणा है, गुरु का सिख हो है असली सिख कि जिहड़ा उहदी जबान का पक्का है, जिहड़ा माड़े समय छड के नहीं भजदा, वह गुरु का सिख है, भावें मोना होवे वह गुरु का सिख है। जिहड़ा खा पी के गदारी करे वह गुरु का सिख नहीं, वह एवें मखोटा पाई फिरदा है। जरूरी नहीं है कि जपजी साहब पढ़ना है, चंगी गल है जे समय तो पढ़ो, लेकिन पढ़ के गप मारना ते ठगी मारना माड़ी गल है। जपजी साहब केवल पढ़ना नहीं है, जपजी साहब ते अमल भी करना है। सो एहो जे लोकां तो असी बचना है। एक बंदा दसो मैनू सरपंचो भी थोड़े किसी बंदे नू नौकरी लवाई होवे, कुड़े मुंडे नू आ तपे जाके वेख लो, लड़िया मोहाली तो बंदे लवाए तपे दे, वाह मादिया शेरा, थोड़े इतो कोई बंदा ही नहीं मिलिया, जताया तुसी वोटा तुसी पाइया। ये समझने कि पैसा बनाओ धंधा करो, ते धंधे नाल पैसे दे नाल इन्हां लोगों नू दबा के रखो ते राजनीति च कामयाब हो जाओ। ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं होने देंगे। पूरे पंजाब दे अंदर सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है, कई इलाकों दे विच संघनी धुंद पै रही है, नाल ही लोगों ने कई दिनों तो सूरज देवता दे दर्शन तक नहीं किए। मौसम विभाग की मनीए तो पंजाब के अंदर लंघे दिन कई जिलों के 3 डिग्री सैलसीयस के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया। पिछले कई दहाकों के दौरान अजिहा पहली बार होया जदों कि तापमान इन्ना हेठे पहुँच गया। उत्थे सर्दी वधन के कारण ट्रांसपोर्टर अते खास करके मजदूरों का बुरा हाल है। सर्दी नू लैके साडे जलालाबाद तो पत्रकार अरविंदर पाल सिंह तनेजा ने आम लोगों के नाल खास तौर पर गलबात की, आओ देखते हैं खास रिपोर्ट। सत श्री अकाल, पंजाब दे विच इस वेले दी पै रही कड़ाके दी ठंड ने कई सालां दे रिकॉर्ड तोड़ दिते है, और हुण इस ठंड दा असर जिहड़ा हैगा उह सीधा सीधा जनजीवन ते भी पै रहा, जिथे व्यापार नूं फर्क पै रहा उत्थे ही सड़क दे उत्ते हादसे जिहड़े है उह भी लगातार वध रहे है। गलबात करांगे लोकां दे नाल, जाणांगे किस तरह दा जिहड़ा हैगा इस ठंड दे नाल लोकां ते जनजीवन ते असर पिया है। तस्वीरां तुहानूं दिखाने आ, लोग मजबूर ने इस ठंड दे विच अग सेकण दे लई, और जिस तरह दा इस टाइम ठंड पै रही है पंजाब दे विच, और मौसम विभाग दा जिस तरह दा कहना है कि आने वाले दिनों दे विच इसे तरह ही ठंड जिहड़ी है वह चलती रहेगी, तो उस तो सहजे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन जिहड़े आ उह किस तरह दे होणगे, क्योंकि बरसात इस बार नहीं हुई ना मात्र हुई, और सुक्की ठंड है जिहड़ी इस दे नाल जिहड़ा जनजीवन प्रभावित होया, और उपरों जो धुंद पै रही है धुंद ने भी सीधे असिधे तौर पर जिहड़ा हैगा रस्ते च जिहड़ा चलना है सड़क पर चलना मुहाल किया। जी किस तरह जिहड़ा ठंड हैगी है इहदे नाल की असर जिहड़ा हैगा उह की पिया व्यापार नूं वेख्या जावे? व्यापार लगभग खत्म हो चुका है, सवेरे 10-11-12 बजे तक पता नहीं लगता भी टाइम की हो गया है। सड़कां ते साडा ट्रांसपोर्ट का काम है, सड़कां ते आवाजाही बिल्कुल वध खत्म हो चुकी है, हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौतां हो रही हैं, हर बंदा सफ़र करने तो गुरेज कर रहा है, ट्रक साडा चक्का जाम है जी तकरीबन ठंड के नाल, और व्यापार भी बिल्कुल ठप्प है इस टाइम। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜੋ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ
आवाजाई घटी आ उत्थे ही तुहानू दिखाने आ तस्वीरां दे विच दिन वेले भी जिहड़े ट्रकां वाले हैगे आ जां रोड ते चलण वाले आ मजबूरी वस उह व्हीकलां दीआं लाइटां चला के जिहड़ा की है उह चल रहे आ और रफ्तार जिहड़ी आ उह सिद्धे तौर ते घटी आ धुंद दे कारण हादसियां दे विच इजाफा होया वाधा होया हादसे जिहड़े आ उह वधे आ तां कह लईए कि मौसम की मार जी है वह पूरे उत्तर भारत के दिखाई दे रही है और पहाड़ों के उपर हुई बर्फबारी तो बाद मैदानी इलाके ठिठरन लई मजबूर होए आ। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह जी ठंड है इस तरह ही कई दिन होर जी है बरकरार रहेगी। तो पारे की गल की जाइए तो रात के समय पारा जोड़ा है वह 2 to 3 degrees ते आ रहा जो कि जमा देने वाला हड्डियां जमा देने वाला है। तो फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि इस तरह कड़ाके की ठंड कई दिन होर जी है वह चलती रहेगी। जलालाबाद तो वीडियो जर्नलिस्ट मोंटी बजाज दे नाल रविंदर तनेजा सांझा टीवी पंजाब। ते उधर भारतीय सरहद ते सीमा सुरक्षा बल वालों मारे गए घुसपैठिए की पाकिस्तान वालों पछाण कर ली गई है। इन्ना ही नहीं पाकिस्तान रेंजर ने BSF तो घुसपैठिए की लाश नू उन्हां दे हवाले करन दी मंग भी की है तां जो लाश नू उस दे परिवार हवाले किया जा सके। जानकारी अनुसार मारे गए घुसपैठिए की पछाण पाकिस्तान के नारोवाल जिले के पिंड दाऊद के रहने वाले MD इंद्रीश वजो हुई है। मारे गए घुसपैठिए की पछाण पाकिस्तान वालों 2 दिन बाद की गई है। दसिया जा रहा है कि लाश की पछाण करन तो बाद हुन पाक रेंजर वालों लाश की मंग की गई है। पाकिस्तान रेंजर ने मारे गए घुसपैठिए की लाश नू पाक च उस दे परिवार हवाले करना है। दस दईए कि बीती 3 January नू सवेरे 8 बजे BSF ने गुरदासपुर के पिंड छन्ना के अधीन पेंदे BOP नेड़े गश्त के दौरान एक पाकिस्तानी घुसपैठिए मार मुकाया। घुसपैठिए मारन मगरों जो सीमा सुरक्षा बल के जवान लाश के नेड़े गए तो उस विचों एक पंप गन 12 bore के 5 rounds बरामद होए सन जिसनों सिपाहियों वालों काबू कर लिया गया। इस तो इलावा मारे गए घुसपैठिए को कुछ भी होर शक्की नहीं मिले। पंजाब के लुधियाना जिले के सिविल हस्पताल अज कुछ लोगों वालों भन तोड़ की गई। इस भन तोड़ दे विच डाक्टर के कमर वार्डा के शीशे टुट गए। हस्पताल के दरवाजे व्हीलचेयर आदि नूं चुक के सुट दिता गया। हस्पताल भन तोड़ करन वालियां दा दोष है कि मुर्दा घर के काम करते मुलाजमान ने अधिकारियों की मिली भुगत दे नाल उन्हां दे पुत्तर की लाश चो अंग कढ़ के वेच दिते ने। जानकारी अनुसार अज वीरवार सवेरे जदों मृतक का परिवार संस्कार लई हस्पताल विच मृतक देह नूं लैण आया तो उन्होंने दस्या गया कि तुहाडे लड़के की लाश इत्थे नहीं है, उस नूं पहलां ही लै जाया गया। इस तो गुस्से च आए रिश्तेदारां ने हस्पताल च भन तोड़ कीती। इस हंगामे दे विच हस्पताल दे विच मौजूद मरीजां विच अते डाक्टरां ने इधर उधर भज के अपना बचा किया। हस्पताल च हंगामा हुंदा देख डाक्टरां ने तुरंत पुलिस नूं सूचना दित्ती, जिस तों बाद थाना डिवीज़न नंबर 2 की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले के वधन करके ADCP रुपिंदर कौर सरा भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत कर लिया ते दस्या जा रहा है कि थाना सलेम टाबरी पीरू बंदा इलाके के नौजवान आयुष सूद की सेहत खराब होने कारण उसनू सिविल हस्पताल च दाखिल कराया गया। आयुष की 1 January नू मौत हो गई। आयुष दियां भैणां विदेश दे विच रहिंदियां सन। आयुष दियां भैणां विदेश दे विच रहिंदियां हन, वह कल विदेश तो आईयां सन, इसलिए अज आयुष का संस्कार किया जाना सी। इस घटना संबंधी पिता राकेश सूद ने दसिया कि अज जदों वह पुत्र आयुष की लाश लैन आए तो उन्होंने दसिया गया कि मृतक दे उत्थे नहीं है, उसकी लाश नूं पहलां ही चुक लिया गया। परिवार नूं शक है कि बेटे के शरीर तो अंग कढ़ के वेच दिते गए हैं। इस मामले में दसिया जा रहा है कि मनीष अते आयुष के नाम बदले हुए हैं। आयुष की बॉडी मनीष की बॉडी नाल बदल दी गई है। इस मामले तो बाद हस्पताल के डाक्टर अते पुलिस का की कुछ कहना है आओ सुन लेने। कोशिश कर रहे हैं लाश दे बदलन दा मसला है जी। एक लाश नूं परिवार वालियां ने कहा कि लाश साडी नहीं है,
दूसरी लाश जिसका पोस्टमार्टम हो गया उन्होंने परिवार का कहना कि लाश साड़ी ही है। ये दो परिवार दो लाशों का सर कन्फ्यूजन है। असी हले मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। मनीष और आयुष नाँ के दो बच्चे ने जिन्हों दी लाशों के एक्सचेंज होने का साढ़े को मसला खड़ा होया है। दिस इज़ मैटर। उन्होंने संस्कार करता जी। ड्यूटी वाले बंदे सर हाजिर ने साढ़े को अंदर इंक्वायरी बैठी टीम बैठी हुई है कर रहे हैं इंक्वायरी उन्होंने जी। सर तुसी अपना नाम बता दो। हाँ जी मैं एम्प्लॉई मेरा नाम डॉक्टर चरण कुमार। सर कहते नौजवानों वालों ऑक्सीजन सिलेंडर नाल हमला किया गया। ऑक्सीजन के सिलेंडर नाल गमलियां नाल भन तोड़ की है। शीशियां नूं तुहाडे सामने ही है सारा एमरजेंसी ओपीडी ब्लॉक और साड़ी एमसीएच ब्लॉक। परिवार वालों नाल फोन ते गल हुई है। परिवार वालों का यह कहना है कि असीं तां ठीक बंदा ही लैके गए हैं। असीं भी इस गल नूं लैके बहुत कन्फ्यूज्ड हैं कि जे वो ठीक लैके गए ने तां बॉडी ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਟੈਗ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੀਮੀਆਂ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਅੰਗ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਹਾਓ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੋਡੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।